गोरखपुर में रास्तों पर अतिक्रमण और पक्की सड़क न होने की वजह से सांसद आदर्श गांव योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोद लिए गांव जंगल औराही का हाल काफी बुरा है। गांव में आ रही दुल्हन की गाड़ी भी फंस गई। घंटों की मशक्कत के बाद वो अपने ससुराल आ सकी। आपको बता दें कि जंगल औराही गाँव के विशुन टोले से एक वारदात दो दिन पहले गई थी। बारात दुल्हन को लेकर लौटी, जैसे ही गांव में दुल्हन की कार जैसे ही दाखिल हुई करीब 100 मीटर की दूरी पर फंस गई। इधर लड़के की मां अपनी बहू को उतारने परछावन करने और गांव को मोड़ पर खड़ी इंतजार कर रही थी। काफी मशक्कत के बाद कार गांव आ सकी, तब जाकर दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सूबे के मुखिया के गोद के लिए गाँव में सड़क का ये हाल है तो शहर की सड़कों का क्या नजारा होगा। सोलर लाइट भी लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बदतर स्थिति हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग का है, जो पिच रोड है, बहुत गड्ढे गुड्ढे हैं। यही स्थिति हमारे गांव की। वर्तमान सांसद और आज के मुख्यमंत्री जी का गोद लिया गांव है। हाँ, डीएम साहब को दोहरे पाइप सड़क के लिए क्या उन्होंने डीएम साहब ने जब सड़क देखा तो हमसे कहा कि प्रधान जी यही आपके गाँव का सड़क है, तो हमने कहा हाँ मैडम यही है आने जाने का। तो उन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई थे उनको बुलाकर तलब किया, तब जय साहब ने कहा कि 15 जून तक हम बनवा देंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको ये सड़क बनने वाली है, क्योंकि गिट्टी उट्टी कुछ नहीं गिरा है और पैखाना उखाना बन रहा है और है लोट लाइट लगवाए हैं प्रधान जी, आ सरकारी सड़क के परेशानी बा, नाली के परेशानी बा और काम के परेशानी बा। योगी जी के काम गोद देने से क्या गाँव में विकास हुआ है? हाँ कुछ तो हुआ है, बाकी बहुत अभी बाकी है। विकास क्या गांव में विकास हुआ क्या नहीं हुआ, क्या स्थिति है गांव की? इस गांव की स्थिति बहुत ठीक है, गांव में बहुत विकास हुआ है, सब काम बढ़िया हुआ है। ये सड़क क्या मरम्मत हो जाते गांव बहुत बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।